देखो बेबी, मीडिया में तो सब कुछ चलता ही है, लेकिन यू डोंट वरी, जब भी तुम्हारे लायक कोई काम आएगा मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगा. ओके, जस्ट चिलैक्स, बाय, टेक केयर. May I come in, sir? Yes, please come in. Sir, वो दो महीने से आपके ऑफिस के चक्कर काट रही थी, तो आज थोड़ी सी हिम्मत करके आपके कैबिन में आ गई. मैंने पिक्चर्स भी भेजे थे पर आपके ऑफिस से कोई जवाब नहीं आया. सबसे पहले तो आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी. आइए बैठिए. थैंक यू सर. तो आप मुंबई में हीरोइन बनने के लिए आई हैं? सर, घर से तो यही सोच के निकली थी. तो कोई एक्सपीरियंस है आपके पास? सर, चांस मिलेगा तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा. राइट. वैसे आप बिल्कुल सही समय पर आई हैं. मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का एड का प्रोजेक्ट मिला है. कल मेरी डायरेक्टर के साथ मीटिंग है. आप अगर आना चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकती हैं. मुझे इस बात में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. मैं पक्का आऊँगी. लेकिन कब और कहाँ आना है सर? कल शाम को 6 बजे मेरे ऑफिस में. थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच. अरे मेरा नाम सर नहीं, मेरा नाम सैम है. यू कैन कॉल मी सैम. ओके, एम आई, नाइस टू मीट यू. सेम हियर. क्या सैम, तुम मुझे कब से नेक्स्ट वीक कर रहे हो? अब 6 महीने हो गए हैं. जस्ट रिलैक्स बेबी, रिलैक्स, डोंट गेट एंग्री. तुम्हें पता है तुम्हारी पर्सनैलिटी को कोई छोटा मोटा रोल सूट नहीं करता. You're special. You are heroine material. You don't worry. मैं तुम्हें बॉलीवुड की एक अच्छी फिल्म दिलवाऊंगा. Okay? Happy? पर तुम मुझे ditch तो नहीं करोगे ना Sam? Darling, आज मैं तुम्हें ditch नहीं, आज मैं तुम्हें kiss करूंगा. Sam. अरे कुछ time, कुछ आसपास. कुछ तो देख लिया कर यार. ओहो पांडे जी, टाइम देखने की उम्र आपकी है, हम तो हाथ में आया हुआ मौका नहीं छोड़ते. एनीवेज सोनिया, ये है पांडे जी, और पांडे जी ये है सोनिया. देता है वैसे सैम, एक बात कोई टाइम और मौका तो अब नहीं छोड़ना चाहिए. बिल्कुल ना, मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए. ये भी खूब रही है. ये इनका तकिया कलाम है. ओके. पांडे जी ठीक कह रहे माई, आजकल एक लड़की ढूंढो तो 1000 लड़कियां मिल जाती हैं. और आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लड़कियां खुद ही पहला कदम उठा लेती हैं. देखो माई, तुम्हें देखकर लगता नहीं कि तुम बॉलीवुड में काम करना चाहती. क्यों सर? देखो ना तुम हमारे साथ कोल्ड ड्रिंक पी रही हो, और ना ही तुम्हें शॉर्ट ड्रेस पहनना पसंद है. बॉलीवुड में अगर सर, वो मैं एक छोटे से गांव से आई हूँ तो मेरे लिए ये सब थोड़ा सा मुश्किल है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने आप को बदलने के लिए. भाई गांव तुम्हारा छोटा है, लेकिन ये शहर बहुत बड़ा है. सर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगी. आई विल ट्राई माय बेस्ट. हेलो. हेलो सर, मैं माही बोल रही हूँ. जी जी बोलिए. सर, आपसे और पांडे जी से मिलने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने आप को चेंज करूंगी. देखते हैं आप में कितना चेंज आता है. थैंक यू. सैम भाई, टैलेंट तो तुम्हें बहुत है. मतलब जिस लड़की पर नजर पड़ी वो लड़की सैम, अरे यार वो उस लड़की का क्या हुआ? वो कौन सी थी, वो गांव वाली, क्या नाम था उसका? माही. माही. कुछ हुआ कि नहीं उसका? होना क्या पांडे जी, आज का फोन भी आ रहा है. अच्छा, मुझे तो लगता है वो बदल जाएगी. हाय, क्योंकि चेंज होने की बात कर रही थी. यकीन नहीं हो रहा. नहीं हो रहा.
बस अब बेल्ट कस लो आप अपने। अरे सैम, बेल्ट कसने का नहीं, बेल्ट खोलने का टाइम आ गया है। अच्छा दे ताली। लो। हाय सर। नाम लिया और माही हाजिर। क्या बात है, तुम तो बिल्कुल मलिका शरारत लग रही हो। थैंक यू सर। सर बस खुद को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, दैट्स इट। वाह वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू सर। यानी कि तुम्हें सब बातें क्लियर है। हाँ जी सर। अब देखो तुम कहाँ से कहाँ पहुँचती हो। माही पांडे जी। सर मैंने कपड़े जरूर छोटे पहने हैं पर अपना जमीन नहीं बेचा, गांव से हूँ, गवार मत समझना। एंड सर आपको मैंने क्या समझा था और अब क्या निकले, शेम ऑन यू। माही माही देख ला, ये थप्पड़ मुझे पड़ा है लेकिन दर्द इसे होगा दर्द। देखो माई, मुझे मालूम है कि जो भी हुआ गलत हुआ। अरे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी यार। देखो पांडे जी बहुत शर्मिंदा है, वो समझे कि तुम क्या। छोड़ो सारी बातों को, जो भी हुआ से भूल जाओ। सुन रही हो ना तुम? हाँ बोलो। देखो कल ना पांडे जी का जन्मदिन है तो उन्होंने घर में छोटी सी पार्टी रखी है, वो चाहते हैं कि तुम उन्हें माफ कर दो और पार्टी में भी शामिल हो जाओ। सारी बातें छोड़ो और देखो तुम्हें पार्टी में जरूर आना है। ओके ओके चलो बाय। आज की पार्टी अच्छी रहेगी, यादगार पार्टी। हाय सर। ओ हाय, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बट सर ये कैसी पार्टी है, आई मीन नो डेकोरेशन, नो गिफ्ट और गेस्ट भी नहीं है। अरे भाई पार्टी का तो बहाना है, किसका जन्मदिन भाई, ये तो खास लोगों की खास पार्टी है। सच में बताऊँ तो माही मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था। सर आई मीन पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए, मैं भी भूल चुकी हूँ तो आप भी भूल जाइए प्लीज। पक्का? हाँ जी। दो ताली। चलो इसी बात पे एक नई शुरुआत। नहीं सर प्लीज। देखो अभी तुमने कहा कि पुरानी बातों को भूल जाओ, तो देखो ये अपने हाथों से ये। सर मैं हार्ड ड्रिंक्स नहीं। अरे ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक है, ये लो दोस्ती का जाओ प्लीज। देखो अभी तुमने बोला कि पुरानी बातों को भूल जाओ। सीरियसली सर मैं नहीं लेती हूँ ड्रिंक्स। पुरानी बात है, चलो कोल्ड ड्रिंक। ओके हेलो सैम, सैम मेरी बात सुन लो प्लीज। तुम
तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम्हें तो पता ही नहीं कि मेरा थप्पड़ जिसको पड़ता है ना, दर्द उसी को होता है। I'm HIV positive. Now enjoy your pain.